पहले विचारने योग्य बात यह है कि हम भक्ति करते क्यों हैं। भक्ति पूर्ण ताकतों के फैसले, महात्मा जगजीवन साहब ने लिखा है, पपिया जाए पुकारियो पंछी ना गिरोए, तीन लोग फिर आए हूँ बिन दुख लख्यो ने कोई। कबीर ने लिखा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया है। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, एक एक चिंता सबको लगी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भाई सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही नहीं। सुख मिलेगा कैसे? वाणी में लिखा है, सब सुख दाता राम है, दूसर नहीं कोई। वो राम है, वो सब सुखों का दाता है। राम क्या चीज़ है? राम रमेता सो रमा, वो एक करंट है, वो उस जर्रे जर्रे में रमी हुई है, वो सबके अंदर है। पढ़ते हैं, सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो सत ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे का अस्पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कट भरपूर रहा। जिस नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख होई, बड़ बागी किसे प्राप्त हुई। उसी को कहते हैं शब्द। ये शब्द अक्षर नहीं है, उस सब ताकत है जिसने धरती बनाई है, सूर्य चांद तारे बनाए हैं। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटोघट आछे। वाणी में लिखा है, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लेव लाई। शब्द को, नाम को, राम को, उसको प्रकट कर ले फिर शांति है। प्रकट करेंगे कैसे? ये गुरु अमरदास जी का शब्द है। उन्होंने मेहनत की है, वो अंदर गए हैं, उस मालिक को प्रकट लिए, प्रकट किया है, शांति ली है, उनको सारे तजर्बे थे। उन्होंने तजुर्बे के आधार पर लिखा है कि नदरी भक्ता ले मिलाए। कभी मालिका तू मेहर कर, तेरी मेहर से ही हम मालिक को प्रकट कर सकते हैं। भक्त सलाहन सदा ले मिलाए, तेरे जो भगत हैं उनका ख्याल 24 घंटे, उनके अंदर यही तरफ लगी है भाई मालिक दर्शन दे, उनको तेरा ही ख्याल है। जिनको सच्ची तड़प है तो वो मालिक जरूर सुनता है, उस पर वो मेहर करता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, वो मालिक मेहर करे तो फकीर की सोच मिल जाती है। जो जो ओ बधाई है त्यों त्यों हर सुरंग, जितनी उसकी सोबत करते जाएंगे मालिक के रंग में रंगते जाएंगे। दोआ सिरा का खसम बिचोला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारे उद्धार का काम करता है, ये उसकी मेहर पर है। कबीर साहब को किसी ने पूछा, भाई आपने मालिक को कैसे पाया? तो उन्होंने बताया कि मेरी प्राणी पिछले जन्मों की भक्ति थी, कुछ कुछ मालिक की दया मेहर थी और कुछ मेरी मेहनत थी, तब जाके वो मालिक अंदर प्रकट हुआ है। आज हम पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। संतों का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? ये भंडारा क्यों मनाते हैं? भंडारे मनाने का ये मतलब नहीं है भाई डेरे में आ गए, चाय पी ली, बूंदी खा ली, जलेबियाँ खा ली, संगत से मिलिए, बातें कर ली और चले गए, ये नहीं है। हमने ये विचार करना है भाई उन्होंने कैसे जिंदगी में मेहनत की और मालिक को कैसे पाया। संत जन्म से ही संत होते हैं, कोई थोड़ी बहुत कमी होती है वो पूरी हो जाती है। उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं
पूज्य मनेश साहब जी का जन्म पंजाब के अंदर खन्ना मंडी के पास सलाना गांव है, वहाँ 1915 में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम है सरदार चंदन सिंह, माताजी का नाम हरनाम कौर। वो सत्संगी थे, इनकी माताजी ने पूज्य परम संत महाराज सावन सिंह से नाम लिया था, इनके पिताजी ने भी नाम लिया था। वो अभ्यास करते थे, इनके माताजी सुबह 3 बजे उठ के रोज बैठ जाते, सिमरन करते रहते। पड़ोस की बीबियां कहती भी ये ना तो गुरुद्वारे जाती है, ना ये मंदिर जाती है, ना कोई किताब पढ़ती है, ये झमोल मार के बैठती है, ये क्या करती है। पर उनको पता नहीं था, वो सिमरन करती रहती थी। जब पूज्य मनेश साहब जी को 2 साल के थे, उनके गांव में प्लेग फैल गया। इनकी माताजी को प्लेग हुआ और वो चोला छोड़ गए। पर चोला छोड़ने से 4 दिन पहले उन्होंने बता दिया भी मेरा टाइम आ गया। फिर इनका पालन पोषण इनके नानके में हुआ। इनके नानके कहाँ थे? लुधियाना, पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में मेम्मा सिंह वाला गांव है, उसके पास लोगड़ गांव है। मेम्मा सिंह वाला गांव ये महाराज सावन सिंह जी का गांव है। इनके नाना जी वो टीचर थे, उनको मुंशी कहा करते थे, मुंशी नारायण सिंह। उनकी और महाराज सावन सिंह जी की पक्की दोस्ती थी। जब महाराज जी महाराज चरण सिंह जी ने चोला छोड़ा, मुझे मनेश साहब बैठने के लिए ब्यास गए तो वहाँ बैठे थे। महाराज चरण सिंह जी की माता जी भी वापस बैठी थी। उन्होंने बताया कि सच्चे पातशाह ने महाराज सावन सिंह ने जिंदगी में एक ही दोस्त किया था, वो कौन सा? वो पूज्य मनेश साहब के नाना जी मुंशी नारायण सिंह। इनके आज के अच्छे ताल्लुक थे, घरों में आया जाया करते थे। सच्चे पातशाह मिलिट्री में थे तो उनके पिताजी चोला छोड़ गए, पीछे कोई घर की संभाल करने वाला कोई नहीं था। इनके नाना जी उनके घर की संभाल करते रहे। इनके 3 मामा जी थे, एक का नाम करतार सिंह, वो SDO लगे थे, घर में किसी बात पर अनबन हो गई वो घर से चले गए। दूसरे करतार सिंह जो बाद में चोला छोड़ गए, उनके एक लड़का था। तीसरे हरि सिंह जो ईरान के अंदर उस टाइम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगे थे। इनके 3 मामी थी, सबसे बड़ी मामी का नाम ईश्वर कौर था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। वो इनको अपना अपना बेटा मानती थी। इन्होंने सबने ब्याह से महाराज सावन सिंह जी नाम लिया हुआ था। हर महीने इनका परिवार वहाँ सत्संग में जाया करता, ये भी साथ जाते रहते थे। तो ये भक्ति के संस्कार इनके जन्म से ही थे, ये और ही वातावरण में पले थे। इनकी मामी जी इनका पूरा ख्याल रखती, वो चाहती थी भी इसके कि कोई पराई खुराक ना खावे, कोई गंदी सुबत ना मिले। एक बार इनके नाना जी के भाई थे जीता सिंह, उनके घरे खड़े थे, उनका कोई रिश्तेदार आ गया, वो लड्डू ले आया। उन्होंने एक लड्डू पूज्य मनेश साहब को दे दिया, मनेश साहब ने खाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे भाई हमारे घर का भी तू नहीं खाता। इतने में इनके मामी जी वहाँ पहुँच गए, वो कहने लगे भाई ये तुम्हारे घर का क्यों खाए, या तुम्हारे घर का खाएगा कल किसी और का खाएगा, फिर आदतें खराब होगी। फिर वहाँ से इन्होंने प्राइमरी की, फिर अपने गांव में आ गए, 8 जमात वहाँ पढ़े। पर कभी टाइम निकाल के छुट्टियों में वो अपने नानके चले आया करते थे।
जब इनकी उम्र कोई 13 साल की थी, महाराज सावन सिंह जी के पोते की शादी थी, महाराज सावन सिंह जब महिमा सिंह वाले आए थे वहाँ, वो नाम देने लगे, एक टीचर थी उसको नाम दिया, तो पूज्य मेरे साहब ने कहा भाई मैंने भी नाम लेना है, पर महाराज जी ने इनकार कर दिया, भी ये छोटा है, इनको वहाँ से निकाल दिया। वो पोड़ियों में आके रोने लगे, किसी ने कहा भाई ये तो रोता है जी, कचंगा वे ले आओ, इनको नाम दे दिया। इन्होंने मेहनत की, ये पढ़ाई भी करते रहे और बराबर सत्संगों में जाते रहे और सिमरन भी करते रहे, क्यों भक्ति भाव के संस्कार थे। जब नौकरी लगे तो इन्होंने नौकरी के अंदर भी ईमानदारी बरती है, कभी किसी का कुछ खाया नहीं और मेहनत की है। नब्बा स्टेट में जंगलात के महकमे में इन्होंने पहले सर्विस की, वहाँ एक ब्रिगेडियर था बचन सिंह, वो कहने लगा भाई देख तू यहाँ नौकरी पर लगा है, जो पहले तेरे से यहाँ अफसर था वो जेल में पड़ा है, ये ईमानदारी से काम करेगा तो है कामयाबी, नहीं तो देख ले तेरा भी वो हाल होना है। इन्होंने ईमानदारी से काम किया, 18-18 घंटे ड्यूटी देते थे। अपड़ कार्य में ये शरीर का प्यार ये सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ये शरीर का प्यार है वो मालिक नहीं मिल सकता, शांति आ ही नहीं सकती, सुख मिल ही नहीं सकता। उन्होंने शरीर का प्यार नहीं किया। हाँ बोल। अपने कार्य में पूरी रुचि और निष्ठा से जुट गए। हाँ अपने कार्य में पूरी रुचि और निष्ठा से लगे। हाँ जी 18 से 20 घंटे तक प्रतिदिन काम करते रहते। हाँ जंगलात के महकमे में थे, 18-18 घंटे 20-20 घंटे अपनी ड्यूटी देते थे। हाँ जी आपके पास विभिन्न प्रकार के कार्य थे तथा दिन और रात की सेवा थी, जब भी आपको अपने कार्य से समय मिलता आप सुपरिंट जो बेले होते सुपरिंट के दफ्तर में चले जाते, उनकी मदद करते। हाँ जी उनके दफ्तर में चले जाते और यथासंभव उसकी सहायता करते रहते। सरदार बहादुर आपको और भी कार्य सौंप देते, वे रियासत की कोई भी हानि नहीं सह सकते थे। हाँ ये याद रखो, मन को एक मिनट बेला न छोड़ो। मन की ये आदत है क्या, इस मन को किसी अच्छे काम में लगाए रखो, जो ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। इनके अंदर शुरू से ही लगन थी, मेहनती थे। हाँ जी आपके माध्यम से ही समस्त राज्य की सामग्री तुलकर जाती थी, कई बार तो वो आपको गाड़ियों के साथ जाने को भी कहता ताकि मार्ग में कहीं ईमानदारी देखो। वो जंगलात महकमे में थे, लकड़ी की वहाँ कोई कमी नहीं है, पर वो बाजार से लकड़ी खरीद के वो लकड़ी अपने जलाने की रोटियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अफसर भी हैरान थे, ये लकड़ी का तो सारे महकमे का मालिक है, ये लकड़ी आप बाजार से मोल लेता है, इतनी ईमानदारी बरती है। हम भी यहाँ देखते रहे हैं, एक बार ऊपर खड़े थे, मैं हिसाब देने गया,
एक रबड़ रिंग है नीचे पड़ गया, कहने लगे उठा रबड़ रिंग, मैं क्या फर्क पड़ता है, कि तेरे को पता नहीं है ये परमार्थ है, ये जितनी बचत करोगे उतना ही फायदा है, परमार्थ की एक कौड़ी भी जाया ना जावे। हाँ जी, हाथी खाना भी आपके पास ही था, उसके इंचार्ज हाथी खाने का माल चोरी से बेच देते थे। हाँ, हाथी खाना ही पास में था, उसके जो इंचार्ज थे उसके राशन में वो हेरा फेरी करते थे, हाथी को राशन नहीं मिलता, ज्यादा सूखा पड़ा था। फिर मैंने साहब आगे उन सारी अनियमितताएँ वो सारी बंद कर दी, उसको पूरी खुराक मिलने लगी। वो हाथी मैंने साहब को देख के तो पूछने लग जाता था। हाँ जी, सरदार बहादुर संत जी के कार्य की बहुत प्रशंसा करते थे, उनकी आज्ञा लेकर एक बार आपने प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ रीजेंसी को मिले। चलो बस, हाँ हाँ बोल, दोबारा बोल। नदरी नदरी भगतां ने हो मिलाए, भगत सलाहन सदा लिवलाए। हाँ, जिनकी पुरानी भक्ति होती है कोई मेहनत करता है, उसको ही तड़प है, उसी पर मालिक मेहर करता है, जो कुछ बनना है उसकी मेहर से बनना है, मालिक मेहर करे मेहर से ही फकीर मिलते हैं, मेहर से ही उसे सिमण मिलता है, मेहर से ही अंदर चीज आनी है। हाँ जी, तो शरणाई उबरे करते आपे मेल मिलाया। हाँ, दूसरी पीढ़ी में क्या कहते हैं, क्या तुम शरणाई उबरे, तुम सरनाई उबरे आपे मेल मिलाया। तुम सरनाई क्या, वो मालिक है तो सबके अंदर गुप्त है, उसकी शरण में कैसे जाएंगे जब उसको देखा नहीं। संतों ने उस मालिक को प्रकट किया है, संतों की सोबत करनी उस मालिक की सोबत करनी है, संतों का हुक्म मानना उस मालिक का हुक्म मानना है, संतों के रंग में रंगे जाना उस मालिक के रंग में रंगे जाना है। बच्चा है, बाप का हुक्म मानता है, बाप को खुश कर लेता है, बीबी है पति के हुक्म मानती है, पति को खुश कर लेती है, नौकर है मालिक का हुक्म मानता है, नौकर को खुश कर लेता है। तुम शरणाई उबरे, संतों की तरफ मालिक प्रकट है, ये संतों की शरण में चले जाए तो संत ये कोर्स करवा देंगे। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, वो घर आकर पढ़ते हैं, वो बी ए एम ए कर जाता है, तो ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फकीरों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करवा देंगे। शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारे, तू समर दयाल मुरारी। आपे मेर मिलाया, आपे मेर मिलाया क्या, जिसको सच्ची तड़प है उसको वो मालक संतों की सोच में ले आता है, प्रभ का रंग साध के संग, साध संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सकली कोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान। ज्ञान क्या है, उस सतगुरु को पढ़ करना, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और न दूजा। हाँ जी, तो शरणाई उबरे करते आपे मेल मिला। भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई। पूरे शब्द भक्त सुहाई, असली भक्ति क्या है, असली भक्ति क्या है, उस शब्द को नाम को उस सत ताकत को प्रकट करना, ये असली भक्ति है।
पूरे शुद्ध भक्त सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई। वो शुद्ध प्रकट हो जाएगा, अंदर शांति आ जाएगी, फिर वो मालिक को भी प्यारा लगेगा। कोई जप करता है, कोई तप करता है, ये उल्टे रास्ते हैं। सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में रा न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम बिहुणे माथे छाई। बिन बुझे संतों के पास नहीं जाते, उनसे रास्ता नहीं पूछते, मेहनत नहीं करते, तो वो मालक प्रकट नहीं हो सकता। बिन बुझे था न पाई, नाम बिहुणे माथे छाई। जिस नाम को प्रकट नहीं किया तो इसके माथे पर सुहा है, कोई नहीं पूछता। जब तपों का फल है, अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता, आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। मिलेगी कैसे? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। फिर मालिक को पढ़ करना है, संतों के सबूत करो, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करो, संत ये कोर्स करवा देंगे। हाँ जी, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंतर सुख तेरे मन पाई, अंतर सुख तेरे मन पाई। मन तन साची भगती राता, सचे सों जिवलाया। मन तन साची भगती सचे सो चित लाया। मन तन सच्चे भक्ति राता, सच्चे सुन लेव लाया। जो संत मिल गए, वो संत कहते हैं सिमरन करो। ये मन ऐसी बला है, ये सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक ना त्या है। ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, ये मालिक से प्रेम करना है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। जे जल्दी करोगे तो जल्दी नाम प्रकट हो जाएगा, जे देर से करोगे देर से होगा, जे नहीं करोगे तो धक्के खाओगे। हाँ, मन तन सच्चे भक्ति राता, सच्चे सुन लेव लाया। उस सब ताकत को प्रकट करना है। सो ज्ञानी जिन शब्द लेव लाई, उस नाम को पढ़ कर लिया, फिर सारा कुछ तो ये मालिक का रूप बन गया। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह जाको कहता और। पलटन गया कोटन जुग पर ले गई, हम ही करने हार। जन्म मरण के बंधन छूट गए, आत्मा परमात्मा से मिल गई। बीबी स्वगन कब होती है? जब पति मिल जे। आत्मा स्वगन कब होती है? जब मालक मिल जे। फिर कौन आए और कौन जाए, ये मालिक का रूप बन गया। अब तो इस पंजरे में कैद हैं, 40-50 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। आत्मा अंदर है, मालिक भी अंदर है। इसने मेहनत की, उस सत ताकत को पकड़ कर लिया, ये मालिक का रूप बन गया। तो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाता है। ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ है, चमियार है। उधर चेतन की गांठ खोली, वो मालक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। कुरान साहब लिखा है, नानक से अकड़ियाँ बेन जिया सिंधो माँ पेरी। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है, घट में वो मालक सबके अंदर है घट में सूजत नहीं दिखाई नहीं देता, पर लाण तैसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद जाता है,
हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आँख बंद पड़ी है, वो जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सीवन करेगा, जड़ चित्री गांठ खुलेगा, वो आँख खुल जाएगी, इसको सारा कुछ पता लग जाएगा, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाएगा। फकीरों ने आँख खोल ली है, सबके अंदर मालिक दिखा है, कि सब घट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई हो गया ना तजर्बा। हाँ दोबारा बोल, मन तन मन तन साची भगती राता सच सो चित लाया। हाँ हम संतों के पास जाते हैं, तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास किस सेवक के कार्य रस। सेवा सेवा करत हो निकामी जिसको हो प्राप्त स्वामी। सेवा भी करे तो कोई इजाना ना मांगे। क्या मांगे? भी मालिका तू प्रकट हो। जो मालिक आ गया सारा कुछ ही आ गया। हमारा क्या हाल है? कबीर ने कहा ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्यास गाय सुनत गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे बैंट पिया लीजिए जी। वो साच का कोई गाक नहीं झूठे जगपति जी। संतों के पास जाते हैं, कोई बेटा मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई शरीर की बीमारियां दूर करने को कहता है। बोलो भाई जोरी की दुकान पर जाकर के लून चाहिए, तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, तो वो जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ़ है। वो संतों के पास जाए तो मांगे क्या? वो नाम प्रकट हो, नाम अंदर आ गया, शांति आ गई, जन्म मरण के बंधन छूट गए, मालिक का रूप बन गया, सारा ही काम हो गया। हाँ जी मन तन साची भगती राता सच सो चित लाया। हो मैं बीच सद जल शरीरा, हो मैं सद जल शरीरा, कर्म होवे पेट गुरु पूरा। हाँ होम में बिच जले शरीरा, कर्म होवे बेटे गुरु पूरा। होम में क्या है? ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, ये हरेक जून में जुगों जुग से ये होम में करता है। होम में ममता करता आया, आशा मनसा बन चलाया। ये होम में की बीमारी जाएगी कैसे? भाग हुआ गुरु मिलाया, इसके पीछे किस्मत में लिखा होता है तो पूरा फकीर मिल जाता है। वो तो गुरु तो सबके अंदर है, बाहर ना कोई गुरु हुआ है और ना कोई होना है। उस गुरु को किसी ने नहीं देखा, संतों ने उस गुरु को प्रकट किया है। संत मिल गए, संत मिल गए तो उसे गुरु से तलक पड़ गया। संत मिल गए तो संत इसको कोर्स करवा देंगे। हाँ जी दोबारा बोल। हो मैं बीच जले शरीरा, कर्म होवे बेटे गुरु पूरा। कर्म होवे बेटे गुरु पूरा। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, पर अविनाशी कर्म में पाया। अब ये कहता है भी मेरा हाथ काम करता है। वो जो सिमरन करेगा अंदर जाएगा भी हाथ नहीं करता, वो मन करता है। और अंदर जाएगा भी मन भी नहीं करता, वो आत्मा करती है। और अंदर जाएगा भी आत्मा नहीं करती, वो मालिक आप करता है। फिर ये होमे की मारे निकल जाती है। जो सिमरन नहीं करते फकीर भी मिल जाए, जो सिमरन नहीं करते तो ये होमे की मारे नहीं निकलती। ये सिमरन करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जब तक सिमरन नहीं करते बात नहीं बनती। प्रिय मन में ऐसी बुला, ये सिमरन नहीं करता, ये मन मैला एक ना ध्याय। हाँ जी
करम होवे केटे गुरु पूरा करम होवे केटे गुरु पूरा ये पूज्यमने साहब के वचन है। हाँ जी। एक प्रेमी आया कहने लगा जी थोड़ी दया मेरे करो। हाँ एक प्रेमी आया मने साहब कहने लगा जी कोई थोड़ी बहुत दया मेरे करो। हाँ जी। पूज्य मैनेजर साहब जी ने जवाब दिता दो दो घंटे रोज बैठा कर फिर देख मेर आती है कि नहीं। हाँ क्या दो दो घंटे रोज बैठा कर है फिर देख मेर आती है कि नहीं आती। 10 मिनट भी नहीं बैठता। हाँ जी। दो वक्त जरूर बैठावे चाहे मन लगे या ना लगे। हाँ, दो वक्त जरूर बैठावे दो टाइम रोटी खा लेता है तीन टाइम चाय पी लेता है सिमर के टाइम अकड़ जाता है सिमर नहीं करता। हाँ जी। जबरदस्ती बैठावे फिर भी पता लग जाता है अंदर कुछ है। जबरदस्ती बैठावे चाहे मन लगे चाहे ना लगे। नौकर दुकान पर बैठा है का कावे लिया मालिक जरूर मजदूरी देगा। एक प्रेमी कहन लगा जी सानू ता भजन सिमरन दा टाइम ही नहीं। पूज्य मैनेजर साहब जी कहन लगे जदों किसी नाल गप्पा मारदे हो ताश खेडदे हो उदों टाइम किवें निकलदा है। एक प्रेमी कहन लगा जी सानू तो टाइम नहीं मिलदा सिमरन वास्ते। मैने साहब कहने जो गप्पा मारदे हो ताश खेडदे हो उदों टाइम किवें मिलदा है। हाँ जी लिया। हम जा रहे थे सुनो हम जा रहे थे चोरमार से सिरसा रास्ते में पंजुआने के पास एक नहर आती है। सुनो पूज्य मने साहब मस्ताना जी के साथ थे चोरमार से सर से जा रहे थे रास्ते में पंजुआना गांव आता है वहाँ एक नहर थी। मस्ताना जी कहने लगे भाई गाड़ी रोको। जीप रोक दी तो नहर थी खाली। मस्ताना जी कहने लगे भाई इसमें पानी आएगा कह हाँ जी आएगा कह ये भी याद रखो कि मौत ने भी आना है इधर पानी आएगा नहर में तो मौत ने भी आना है कह इसका बंदोबस्त करो काल ने भी आना है। हाँ जी। हम जा रहे थे चोर मार से सिरसा रास्ते में पंजुआने के पास एक नहर आती है। नहर पर मस्ताना जी खड़े हो गए नहर में पानी नहीं था खाली थी। मस्ताना जी कहने लगे नहर में पानी आ जाएगा। हम कहने लगे हाँ जी आ ही रहा होगा बस इसी तरह सबके पीछे मौत आ रही है किसी को ख्याल ही नहीं पानी के बहाव की तरह वो भी आ रही है जो सिमरन कर लेगा वो खट जाएगा नहीं तो बस। जो सिमरन कर लेगा वो बच जाएगा। हाँ जी लिया। हाँ बोलो। अपड़ सुनो अंदर अंदर से काम क्रोध अहंकार निकालने हैं इंद्रियों के भोग छोड़ने हैं मोह माया छोड़नी है निंदा चुगली छोड़नी अंदर सतगुरु को बसाना है। काम तो यह करना था अगर यह नहीं हुआ ये काम करना था काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निकालना था विषय विकार छोड़ने थे निंदा चुगली छोड़नी थी सतगुरु को बसाना था। हाँ जी। अगर ये नहीं हुआ तो कितने ही सत्संग सुनते जाओ कितना ही पढ़ते जाओ। जो ये नहीं हुआ तो कितने ही सत्संग सुनते जाओ कितनी पोथियां पढ़ लो। हाँ जी। कितना ही उपदेश करते जाओ कोई फायदा नहीं। कितना ही उपदेश कर लो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। हाँ आप प्रेमी
कई प्रेमी सिमरन करते हैं। नहीं नहीं, एक प्रेमी कहने लगा उठले पास कई प्रेमी सिमरन करते हैं, वो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, बोलो कौन सी चीज़ है। पुराने पाप सामने आते हैं, वो बैठने नहीं देते। हाँ, कई कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, ये पुराने पाप आगे आते हैं, ये पाप नहीं बैठने देते, इतने सारी पाप है। हम चलते हैं पैरों से, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीवन से जाते हैं, कितने बार आते हैं, जेते दाने अन के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि उम्र घट रही है और पाप बढ़ रहे हैं, ये पाप ही नहीं बैठने देते, ये पाप घटेंगे कैसे, ये मन के साथ मुकाबला रखे। मुसलमान जी कहा करते थे जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतना ही दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी कदर बनेगी। डेरे में एक साधु आया, वो बाहर फिरता रहता था। मनी साहब कहने लगे तू बाहर फिरता है, तू अंदर बैठ भजन कर, दुनिया तेरे दर्शनों को तरसे, कोई करे तो सही। हाँ जी, जब तक वो खत्म नहीं होते सिमरन आगे चल ही नहीं सकता। हाँ, जब तक ये पाप खत्म नहीं होते सिमरन आगे नहीं चलता, ये सख्त मुकाबला रखना पड़ता है। बीए में करने वास्ते 10-15 साल लगते, इसमें भी टाइम लगता है। हाँ जी, हाँ बोल। सतगुरु ते सुख पाया। अज्ञान क्या है? आंख मेरी के अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। मस्तान जी कहा करते थे भाई बोलो भाई, किसी को पता है तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे? हमें किसी का पता है? एक मिनट का पता नहीं है। ये ज्ञान निकलेगा कैसे? अंतर अज्ञान शत बुझाए सतगुरु ते सुख पाया। वो सतगुरु सबके अंदर है, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरा समय। वो देखे तो नहीं है, जो सतगुरु पढ़ कर ले कर कृपा, सतगुरु मिलिया मन मंदिर में दीपक जल्या, वो सतगुरु अंदर आ गया, ज्योत भी अंदर आ गई, तसली भी मिल गई, अज्ञान निकल गया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी अवर न दूजा। उस सतगुरु को पढ़ करना ये ज्ञान है। मस्ताना जी पास कोई आदमी आया, कहने बहस करने लगा। मस्ताना जी कहने लगे क्या मैंने तो सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया है, ये पढ़ करना है तो कर, नहीं तो खड्डे में पढ़। ये ज्ञान है, सतगुरु को पढ़ कर ले फिर इसके साथ रहता है। जंगलों में जाओ, बियाबान जाओ, कहीं भी जाओ, इसके साथ है। फिर काल का कोई डर नहीं है, जंतुओं का कोई डर नहीं, बाहर कोई डर नहीं था, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती, सारे काम हो गए। और दौलत दबी आई और दबी चली गई, इसका किसी ने फायदा नहीं उठाया। ये इंसानी जमा इसी वास्ते मिला है, वे उस दौलत को निकाल ले, उस सतगुरु को निकाल ले, उसने काम लेना है। बिन सतगुरु सेवे बोता दुख पाया, जुग चारे बरमाई। जब तक सतगुरु को पढ़ नहीं करते ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, शांति नहीं आती, सुख नहीं मिलता। हाँ जी, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए
सतगुरु ते सुख पाया। सतगुरु ते सुख पाया। सुनो, ये सारी बातें तजर्बे में आई बातें हैं। हाँ जी, हसू गांव का दारा सिंह वकील डेरे आया। यहाँ हसू गांव है, वहाँ का दारा सिंह वकील था, साथ में कई लीडर थे, वहाँ यहाँ डेरे आ गए। हाँ जी, हसू गांव का दारा सिंह वकील डेरे आया, साथ में कुछ और भी लीडर थे। इलेक्शन का टाइम था, पूज्य मैनेजर साहब जी से कहने लगा कि जानते हैं कि उल्टे राह पड़े हैं। कभी जानते हैं जी, उल्टे राह पड़े हैं। हाँ जी, कहने लगा कि जानते हैं कि उल्टे राह पड़े हैं, पर छूटता भी नहीं। कहे राजनीति का चस्का छूटता नहीं है। हाँ जी, कहता है कि पहले कुर्सियों की पड़ी है, जब कुर्सी मिल जाती है फिर उसे संभालने की पड़ जाती है। पहले तो कुर्सियों की पड़ी, अभी कुर्सी मिले, कुर्सी मिल जाए फिर संभालने की पड़ी है, ये निकलना जी। आगे, फिर उसे संभालने की पड़ जाती है, किसी और के पास ना चली जाए, इसी में सारी उम्र खत्म हो जाती है। इसी में सारी उम्र खत्म हो जाती है। बोलो भाई, ये दुनिया झूठी है, इसकी कुर्सी झूठी है, इसकी मान बढ़ाई झूठी है, झूठ में इसवासारूपी पूंजी बर्बाद करके चले गया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? महाराज सावन सिंह ने लिखा है, जो सिमरन करता है, जिन्हें नाम को पढ़ कर लिया, वो समझदार है, दानिशमंद है, अकलमंद है, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। हमारा नंबर तो बेवकूफ़ में आता है। सो चतर सो छाणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सदमा जिन्हें सिमरन कर लिया, जड़ चेतन की गांठ खोल ली, सतगुरु को पढ़ कर लिया, वो समझदार है, अकलमंद है, दानिशमंद है। हाँ जी, हाँ सतगुरु ते सुख पाया। पहला 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 कौड़ी चीज खांदे सी तां बुखार उतरदा सी। के पहला कौड़ी चीज खांदे सी तां बुखार उतरदा सी। पुराने जमाने में वो कड़वा काढ़ा बना के देते थे, उसे बुखार उतरता था। हाँ, पहला कौड़ी चीज खांदे सी तां बुखार उतरदा सी। सिमरन भी कौड़ी चीज है, कौड़ी चीज खाओगे तां विषय विकारां दा जहर उतरूगा। हाँ, सिमरन भी कौड़ी चीज है, कौड़ी चीज खाओगे तो विषय विकारों का जहर उतरेगा। हाँ जी, जो नहीं खाओगे तो नहीं उतरता। हाँ जी, हाँ बोलो। सतगुरु ते सुख पाया। मन मुख अंधा अंध कमाए, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जोनी परमाए। मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जोनी परमाए। ये त्रिलोकी तक काल का देश है, एक दिन गोगड़ा सिरे, तीन लोक और चौदह भुवन में इस गोगड़ का राज। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है, इसका काम है जीव को भरमाना और भटकाना। जो दुश्मन के हाथ चढ़ेगा उसकी मिट्टी प्रीत होनी है।
मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन असली भक्ति करने नहीं देता। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात कठिनी, ये मन की मत छोड़नी होती है। नौ दर ठाके तावत रहा, दसवें निज गर्भाशा पाए, उथे आनंद सद बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावण्या। गुरमती क्या? ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संतों की मत वो गुरमत है। संतों का कहना मानेगा तो संत ये कोर्स करवा देंगे। जो संतों के पास नहीं जाता, उनका कहना नहीं मानता, फिर चुरासी में धक्के खाएगा। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी कोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। शहर के अंदर चरक चुंडा होता है, उसके पारण कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। सारी दुनिया चक्कर में है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, सारे हम जेली हैं। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में हो, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा सतपुरुष की अंश है, कहो कबीर है राम की अंश, यहाँ धक्के खा रही है। यहाँ कितने सुख नहीं है, अपने घर में सुख है। ते लोग किसी पार जाओगे, नाम को पढ़ करोगे, राम को पढ़ करोगे तो सुख है, नहीं तो धक्के है। हाँ जी, असली काम तो ये करना था। जो सिमर नहीं बना, वो मालिक प्रकट नहीं हुआ, तो इंसानी जाम बर्बाद गया। वही प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे कि ना काम, साध संगत मिल पज केवल नाम। जो फकीरों की सोच में आगे तो सिमरन कर। जो फकीरों की सोबत करता है और सिमरन करता है वो सही रहते हैं, बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, बहु संकट जोड़नी परमाए, जमका जेवड़ा कदे न काटे, अंत बहु दुख पाया। जमका जेवड़ा कदे न काटे, अंत बहुत दुख पाया। जे कितने पुन दान कर लियो, पुन दान जो भी दे सब धर्म रह के जाई, बिन सतगुरु जमकाल न छोड़े दूजे पाक भाई। जो सतगुरु को पढ़ नहीं करते, संतों की सोच में नहीं जाते, संतों की शरण में नहीं जाते, तो हर एक जूनी में मौत आएगी, तो जमदूत आएंगे, धर्मराज के पास जाना पड़ेगा। धर्मराज बलेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पांच किसान वहाँ भाग गए हो, बंद हो जीत बेचारी। अब तो ये काम कर लो ओहकार की बस, मुर्ग गलत काम करता है, वहाँ धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। ये काम कर लो ओहकार पीछे हट जाएंगे, आत्मा के गल में फाई है। हाँ जी, ये फाई टूटेगी, संतों की सुध में जाए, उनसे सिमर लेके सिमर करे, जड़ चेतन की गांठ खोले, सतगुरु को पढ़ कर ले। हाँ जी, जमका जेवड़ा, जमका जेवड़ा कदे न काटे, अंते बहु दुख पाया। अंते बहुत दुख पाया, अंते बहुत दुख पाया, जिंदनी माणी कड़ी है डंक उकड़का। तुलसी मृतक के इसमें पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता मौत के टाइम। हाँ जी, अंते बहुत दुख पाया, शब्द निवारे, आवण जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उर्धारे। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। आवण जान शब्द निवारे, सच नाम रख उर तारे। भी तू उठता बैठता चलता फिरता, तू सिमरन कर, उस नाम को पढ़ कर, वो नाम प्रकट हो गया, ये आना जाना खत्म हो गया, आत्मा परमात्मा से मिली, परमात्मा का रूप बन गई। हाँ जी,
सच नाम रखे उर्धारे। उठते बैठते चलते फिरते सिमन करे, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, उसका पवित्र नाम है उजला करे तोए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे त्याओ सांस ग्रास, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, सारी चिंताएं दूर हो जाए। हाँ जी, आवण जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उर्धारे। कोई माँ बाप सुनो, ये कीमती बात है। हाँ जी, ये पूज्य मनी साहब के वचन है। हाँ जी, कोई माँ बाप बच्चे को ये नहीं कहता कि तू नाम जप, माँ बाप वो है। देख लो भाई, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहता कि तू नाम जप, सब मतलब के हैं भाई, मेरे काम करे। हाँ जी, माँ बाप वो है जो कहे कि नाम जप। क्या माँ बाप वो है जो बच्चे को कहे भी तू नाम जप, असली काम तो ये है। हाँ जी, औरत वो है जो कहे नाम जप। हाँ, औरत वो है जो पति को कहे भी तू नाम जप, तुम भी जप मैं भी जपा। हाँ जी, बच्चे वो हैं जो कहे कि नाम जप, रिश्तेदार वो है जो कहे कि नाम जप। हाँ, रिश्तेदार वो है जो कहे नाम जप। हाँ जी, हाँ बोल। सच नाम रखे उर्धारे, सच नाम रखे उर्धारे। पाई पाई जोड़कर बनिया साहूकार बन जाता है। पाई पाई जोड़ के बनिया साहूकार बन जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा सिमण करे, थोड़ा सिमण बहुत सुख जे कर जाने को, हल्दी लगे ने फिटकड़ी रंग चोखा ही चोखा हो, थोड़ा थोड़ा करके उम्र बर्बाद हो जाती है, एक एक मिनट करके सारी उम्र टप जाती है। ये मन ये सिमण नहीं करने देता, दिलासा दे दे के। हाँ जी, पाई पाई जोड़कर बनिया साहूकार बन जाता है, ऐसी तरह सांस सांस सिमरन करके राम नाम की पूंजी इकट्ठी कर लो। हाँ, सांस सांस सिमरन करके ये राम नाम की पूंजी इकट्ठी कर लो। हाँ जी, मस्ताना जी एक मिनट का घाटा सिमरन का घाटा बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ जी, फकीरी लाइन पढ़ने की और ज्ञान छांटने की नहीं है। ये फकीरी लाइन है ना, तो है पढ़ने की, ये ना ज्ञान छांटने की है, ये तो प्रैक्टिकल कोर्स है, अनुभव का कोर्स है। संत कहते हैं तुम अंदर चलो, जड़ चेतन की गांठ खोलो। हाँ जी, अंदर तजर्बे करो, ये है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोल से परम बुलाई, उन्होंने अंदर देखा है, बाहर बयान किया। हाँ जी, हम तो अंधेरे में आए, अंधेरे में चले गए। हाँ जी, फकीरी लाइन पढ़ने की, सत्संग सुन के उस पर अमल करे फिर है। हाँ जी, फकीरी लाइन पढ़ने की और ज्ञान छांटने की नहीं है, ये तो अनुभव की चीज है। हाँ बोल। गुरु के
शब्द मरे मन मारे गुरु के शब्द मरे मन मारे हो मैं जाए समाया। दोबारा बोलो। गुरु के शब्द मरे मन मारे हो मैं जाए समाया। गुरु के शब्द मरे मन मारे हो मैं जाए समाया। गुरु के शब्द क्या, वो गुरु तो अंदर है, संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। जो संत नहीं मिलते उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मल के घर का रास्ता ही नहीं मिलता। राम नाम पूंजी संत नाथ राखी कुंजी। राम नाम गुरु बचनी बोलो संत सभा में ए रस टोलो। हाँ, गुरु का वचन, गुरु का वचन सदा विनाशी। हाँ, ये असली चीज है। संत सिमरन बताते हैं ये मल के घर के अंदर, ये जाने की ये चाबी है। ये राम नाम पूंजी संत नाथरा की कुंजी। हाँ जी, गुरु का वचन, गुरु का वचन सदा विनाशी। हाँ, गुरु का वचन सदा अविनाशी। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन जाता नहीं है, काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। मस्ताना जी बिगड़ गए तो एक प्रेमी था, वो मस्ताना जी से नाम ले गया, तो वो घर गया तो घर भैंस ना मिली। उसकी औरत कहने लगी कि तू कहाँ जाके आया है यार, भैंस ही नहीं मिली। कि मैं संतों के पास गया था, मैं नाम लेके आया हूँ। कि नाम वापस कराया। वो दोबारा मस्ताना जी के पास आया, कहने लगी मैं नाम वापस करना है। मस्ताना जी कहने लगे भाई तू चाहे इसे छोड़ दे छोड़ दे, पर ये नाम तेरे को नहीं छोड़ेगा। तो ये गुरु का वचन है, वो जीव के साथ रहता है, काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो मालिक सब ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है, उनके बताए हुआ सिमरन है, वो भी सत ताकत है। ये क्या कहते हैं, गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ जी, गुरु के वचन कटी जम फांसी। हाँ, गुरु के वचन कटी जम फांसी। संत मिल गए, उन्होंने सुन बता दिया, चाहे थोड़ी भक्ति है, मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी तीन ते काल दूर है भागी। परब के सिमरन गर्भ न बसे, परब के सिमरन जम दुख नसे। परब के सिमरन काल परड़े, परब के सिमरन दुश्मन डरे। हाँ जी, गुरु का वचन जीव के संग। हाँ, गुरु का वचन जीव के संग, जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, गुरु के वचन रचे राम के रंग। उस सिमरन करोगे तो जड़ चेतनी गांठ खुलेगी, वो मालिक प्रकट होगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है और परहेज बता देता है। हम ना दवाई खाते हैं ना परहेज रखते हैं, तो बीमारी कैसे जाएगी। संत मिल के, संतों ने सुन बता दिया, ये ना सिमरन करता है ना परहेज रखता है, तो बीमारी कैसे जाएगी। हाँ जी, जो गुरु दिया सो मन के काम। हाँ, जो गुरु दिया सो मन का काम। मन का काम क्या है, जो संतों ने सुन बताया वो सिमरन करना। हाँ जी, पर ये मन ये काम करता ही नहीं, काल का एजेंट है। हाँ जी, संत का किया सत्कर मान। हाँ चल, गुरु का वचन वचन अटल छेद, गुरु के वचन कटे परम भेद। हाँ, गुरु के वचन कटे परम भेद। इतने लोग के सारा ही परम है, सिमरन करोगे ये परम निकल जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। हाँ जी, गुरु का वचन कतो न जाए, गुरु के वचन हर के गुण गाए। हाँ, ये मन काबू आएगा सिमरन करने से। सिमरन करोगे नाम का रस आएगा, मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल बया पी पारा नाम, मनोवास्त्र शब्द रहता। ये मन बीजा शब्द भतीजा, बिन नामे क्या टेक टकीजा। हाँ जी, गुरु का वचन जी के साथ, गुरु का वचन अनाथ को नाथ। गुरु का वचन अनाथ को नाथ, बेसारों को सारा है। मस्ताना के पास एक आदमी आया, कहने लगा जी मैं बहुत गरीब हूँ। मस्ताना निकल के नाम मिला, क्या हाँ जी, क्या फिर बादशाह है, सिमरन कर। परब के सिमरन हृदय सिद्ध नौलिंद, हृदय तो पहली स्टेज है।
एक मारवाड़ का प्रेमी आया ते मनी साहब को कहने लगे कह जी वहाँ तो काम नहीं चलता, गुजारा नहीं होता। ते मनी साहब कहने लगे भाई तुम सिमन करो, कह जी सिमन तो होता नहीं है, कह होता नहीं तो फिर भूखे मरो। हाँ जी, गुर का वचन कतो न जाए, गुर के वचन हर के गुण गाए। गुर के वचन हर के गुण गाए, जो संतों ने सिमन बताया वो सिमन कर, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमा संतन का गुर प्रसाद इतरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू ला खटिया भक्ति प्रे भंडारा। कोई राम करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है, इनके करने से कुछ नहीं होता, टेम्परेरी शांति आएगी। ये शब्द मौके मौके से सारे ही ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से जपाए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज या डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पानी का इंजेक्शन कर दे तो मरीज ठीक नहीं होगा, जो जहर का इंजेक्शन कर दे तो मरीज मर जाएगा, जो दवाई का इंजेक्शन करे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने नाम जपने, ये पानी का इंजेक्शन है। नंबर दो किसी पाखंडी का बताया हुआ सुन करेगा अंदर पाखंड आ जाएगा, अहंकारी का बताया हुआ सुन करेगा अंदर अहंकार आ जाएगा। असली सिमरन कौन सा है? जो संतों ने सुनता है वो असली सिमरन है। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं, राम नाम का बीज डाल देते हैं, वो असली सिमरन है। हाँ जी, सतगुर वचन कमावणे सच्चा है विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सुचार। सतगुर वचन है, संतों ने सतगुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है वो सतगुरु का वचन है, उसकी कमाई करनी है। हाँ जी, गुर का वचन जी के साथ, गुर का वचन अनाथ को नाथ। चलो गुर... हाँ बोलो, गुर के शब्द, गुरु के शब्द, गुरु के शब्द मारे मन मारे हो में जाए समाया, मन बारले सुख पालदा है। मन बारले सुख पालदा है, ये अच्छा खा लिए, अच्छा पी लिए, विषय विकार भोग लिए, ते सो भी लिए, ते मालिक भी मिल जे, दोनों बात कैसे होगी? सुखिया संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, जागने और रोने का मार्ग है, कुर्बानी का सौदा है ये तो। हाँ जी, मन बारले सुख पालदा है, ऐसे जान कुर्बानी का सौदा है। हाँ, जान कुर्बानी का सौदा है, बलि का बकरा बने है, जड़ चेतनी गांठ खोले, जीवित मरे मरे पुंजीवे, ता मुखंतर पाए, मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोए, गुर प्रसादी जीवित मरे हुक में बुझे सोए। हाँ जी, बड़ा औखा मार्ग है। हाँ, बड़ा औखा मार्ग है, औखा भी है सौखा भी है। हाँ जी, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। हाँ जी, आवण जाने परज बिगाई बिन सतगुरु छेड़े नाही कोई। आवण जान परज बिगोई बिन सतगुरु फिर कोई नहीं है, बिन सतगुरु फिर कोई होई। हाँ, क्या इसकी आवण जान, ये जन्म मरण इसकी मिट्टी प्लीत है, बिन सतगुरु थेर न कोई। जो सतगुरु को पढ़ कर ले फिर तो है बल्ले बल्ले, फिर तो है इज्जत, नहीं तो कोई इज्जत नहीं है। इधर पशु खा पी के चले गए हम चले जाएंगे, उस नाम को पढ़ करना ये इज्जत है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई, नानक नाम मिले बड़ी आई, मनमुख नींद पत गवाई। ये नाम को पढ़ कर लिया, सतगुरु को पढ़ कर लिया फिर तो है बड़ाई, नहीं तो पर्ज गई, इज्जत गई। हाँ जी, बिन सतगुरु थिर कोई न होई, बिन सतगुरु थिर कोई न
शबद सुख वसया ज्योति ज्योत मिलाया। अंतर शोध सो सुख वसया ज्योति ज्योत मिलाया, इसके मतलब क्या है? आत्मा परमात्मा से मिल गई, ज्योति ज्योत मिली, मन मान्या, हर दर शोभा पावण, वो ज्योत सबके अंदर है, राम नाम है ज्योत, स्वयं पढ़ते हैं, कभी सोचा नहीं भाई संतों ने ज्योत को प्रकट किया है, संत अंदर बताते हैं, हम बाहर फिरते हैं, राम नाम है ज्योत स्वाई, राम नाम की ज्योत सबके अंदर है, उस ज्योत को पढ़ करना था, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया, पलटून लिखा उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, चर तुम्हारा माज जलत रहे दिन राती। नजर किन के आता है? सतगुरु मिला जो हो बाकी नजर में आवे, बिन सतगुरु को हो नहीं वा को दर्शावे। जब तक संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये जज्जत नहीं गांठ नहीं खोलता, वो ज्योत प्रकट ही नहीं होती। हाँ जी, बिन सतगुरु अंतर ज्योत शबद सुख वसया ज्योति ज्योत मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाया। पंच दूत चितवे विकारा माया मोह का एहे पसा, ये तरलोकी तक ये मोह माया का पसारा है। माया मोह हर चेते नहीं जम पर बद्दा दुख साई, अन्ना बोला अन्ना क्या, वो माल किसने दिखाई नहीं देता, वो आंख बंद पड़ी है बोला, वो कान बंद पड़े, माया तारी अन्ना बोला, माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख मुझे को बेचारा, कोई बिरला गुरमुख है जो इस पर विचार करता है, ये काम क्रोध लोग ओंकार है इनके बस में पड़े हैं, इनका काम करते हैं, सारी दुनिया ठगों की आज चढ़ी है। कबीर ने कायागढ़ खूब बाजार है, या काय में चोर फिरता लुच्चे डेट लबार, या काय में हाट लगाए बैठे साहूकार, साहूकार कौन से हैं? इसी संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी, चोर ठग कौन से, काम क्रोध लोग ओंकार, सारे इनके बस में उड़ते इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के इसमें ज्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, मालक की दरगाह से स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार, इनका काम करते हैं, या तो काम का, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, या अहंकार का, औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के इसमें ज्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। बोलो भाई आत्मा का कौन सा काम है, इन्होंने हमारी मिट्टी प्लीत कर दी, दोबारा बोल। पंच दूत चितवे विकारा माया मोह का एहे पसारा, ये सारा मोह माया का पसारा है। कोई जंगल हो, उस जंगल के अंदर है कोई शरीफ आदमी को, कोई ठग टक्कर दिए, चोर डाकू टक्कर दिए, तो उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं, जिदाद छीन लेते हैं, ये हमारे साथ हो रहा है। वो संत कहते हैं भाई संभलो संभलो, इन ठगों से बचो, कौन सा हथियार है? वो संतों ने सिमरन बताया, वो हथियार है, वो चलाओ। परब के सिमरन काल परड़े, परब के सिमरन दुश्मन डरे, जो सिमरन करोगे काल नेड़े नहीं आएगा, काम करो तो लोग ओंकार घट जाएंगे, सेल संतोष क्षमा धीरे दिन तक गरीबी अंदर आ जाएगी, साहूकार इसके पास आ जाएंगे। हाँ जी, माया मोह का ए पसारा, सतगुर सेवे ता मुकत होवे, पंच दूत बस आया। हाँ, ये दूसरी कड़ी में इलाज है, सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में आया, सतगुरु अंदर आ गया,
श्री संतोष तिमा त्रिवेदी तक गरीबेंद्र आ गई, एक काम को कहा निकल गए। हाँ जी, फकीरों ने तजर्बे किए हैं, बार बयान किए, इस तरह करना है। हाँ जी, सतगुरु सेवे दा मुकत हो वे पंच दूत बस आया, पंच दूत बस काम क्रोध की जहर चढ़ी है वह अंदर बढ़न नहीं देंदी। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जहर चढ़ी है, ये अंदर बढ़न नहीं देंदी। बाज गुरु है मोह गुबारा फिर पर डूबे बारो बारा, जो उस गुरु को प्रकट नहीं करते तो ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। हाँ जी, काम क्रोध की जहर चढ़ी है वह अंदर बढ़न नहीं देंदी, मन सब नु लुटता है, मन नु कोई बिरला ही लूटता है। मन है सबको लूटता है, मन को कोई बिरला लूटता है, मन जीते जग जीत। हाँ जी, चल बस। सतगुरु पेटे सच दिरड़ाए, सतगुरु पेट सतगुरु पेट सच तिरड़ाए, सच नाम मन पाया। हाँ, सतगुरु बेंटे सच तिरड़ाए, सतनाम मन पाया। सतगुरु बेंटे, उस संतों ने सतगुरु को प्रकट किया है, संत मिल गए। सतगुरु बेंटे नाम दृढ़ा है, संत कहते हैं भी सिमरन करो। संत कोई कौमों के, मजहबों के, देशों के, कोई धर्मों के किसी चक्कर में नहीं डालते, ना कोई घर बार छोड़ने का कहते। वो कहते हैं सिमरन करो, सेवा को दोनों बोले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। संत कहते हैं सिमरन करो, सतगुरु को पढ़ कर लो। सतगुरु बेंटे सच दृढ़ा है, सच नाम मन पाया। सिमरन करोगे जड़ चतरी गांठ खोलोगे उस हद तक अंदर पड़ हो जाएगी, सच मिले पहुंच जाई सारे पैर दूर हो जाएंगे। हाँ जी, सतगुरु पेटे सच तिरड़ाए, सच नाम मन पाया, सच नाम अंदर प्रकट हो गई, तसल्ली मिल गई। वो संत यह नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, साधु भाई जीवित ही करवासा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा, जो कोई कहे मोए मुक्त ये झूठा दे विश्वासा, आत कंगन को आरती क्या। संत कहते हैं सिमरन करो, जो सिमरन करते जाओगे तजर्बे होते जाएंगे, ये प्रैक्टिकल कोर्स है। हाँ जी, साचा दरबारा साचा दर साचा दरबारा सच्चे से में शब्द प्यारा। सच्चे से
पद प्यारा सतगुरु तो देने के लिए आता है, वो चाहता है भाई ये मास्टर है, वो चाहता है मेरे बच्चे सारे पास हो जाएं, अच्छे नंबर आए हैं, तो संत भी ये चाहते हैं ये सारे तरक्की कर जाएं। हाँ जी, पर संतों की बात हमें कौड़ी लगती है, ये मन बाहर गेट से बाहर जाते ही बुला देगा, किसी को रास्ते में बुला देगा, कहीं को शहर में जाके बुला देगा। हाँ जी, सतगुरु देने वास्ते आंदा है, लेंदा कोई नहीं। हाँ, देने वास्ते आता है, लेंदा कोई नहीं है। हाँ जी, जिंदा मरण का सवाल है, गले सड़े तन दा प्यार छड़े। हाँ, जिंदा मरण का सवाल है, गले सड़े तन दा प्यार छड़े, ये तन दा प्यार सबको खा गया, दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा माए, जब तक शरीर का प्यार है सुखी रह नहीं सकते, सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ जी, गले सड़े तंदा प्यार छड़े, विषय विकार छड़े, सारे ख्याल कड़े। हाँ, विषय विकार छड़े, जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियाँ, वो स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग संत होवे, एक निम्क स्वाद कारण कोट तिर दुख पाए। हाँ जी, मिटा दे अपनी हस्ती, बस वही सारे ख्याल कट दे। हाँ, सारे ख्याल निकल जे, अपनी हस्ती मिटेगी तो मालक की हस्ती आएगी, जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। हाँ जी, ख्याल ही रोकी बैठे हैं। हाँ, दुनिया के ख्याल रोकी बैठे हैं, एक ख्याल निकलता है दूसरा तैयार खड़ा है, दूसरा निकलता है तीसरा तैयार खड़ा है। हाँ जी, जब चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, एक चिट्ठी पढ़ते हैं दूसरी तैयार खड़ी है, दूसरी पढ़ते हैं तीसरी तैयार खड़ी है। हाँ जी, साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेव शब्द प्यारा। दोबारा बोलो। साचा दरबारा सच्चे सेव शब्द प्यारा। सच्चा दरबारा, ये बार के दरबार तो झूठे हैं, बार की मानवड़ाई दो दिन की है, असली दरबार कौन सा है? वो सतलोक जाना, सचखंड जाना, मालिक की दरगाह में जाना, ये असली दरबार है, ये असली बादशाही है। मस्ताना जी कहा करते थे, हमारे दोनों जान की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है, बाहर के एक जान की बादशाही कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी पाकिस्तान हमला ना करते, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया, जिस नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बादशाही, यहाँ भी बल्ले बल्ले आगे भी बल्ले बल्ले, इसके लिए मेहनत करनी है, ये नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। ये बचपन तो खेलों में चलेगा, जवानी को काम खा गया, ये बुढ़ापे में करूँगा, बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, मालिक की बंदगी कैसे होगी? वजन करना करड़ा है काम, ये करड़ा काम है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ। हम कहते हैं शुभ काम में देरी क्यों, शुभ काम क्या है? ये मालिक की बंदगी करना, बंदे तुम कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानो जन्म का वर न बारम्बार। वो मालिक तो लोग किसी पार है, ये बंदगी करेगा तो मालिक का रूप बन जाएगा, सच्चे दरबार में पहुंचेगा। 19 साल के मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा कुटवेचल, हमेशा की बादशाह है, वहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई बीमारी आ गई, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए, वहाँ कोई टैक्स लगाने वाला नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भूचाल नहीं आता। हाँ, दोबारा बोल, सच्चा दर साचा दर बारा सच्चे सेव शब्द प्यारा। सच्चे शब्द है वो प्यारे से प्यारा है, सच्चा शब्द प्यारा। हाँ जी, सच्ची धुन सच्चे गुण गावा सच्चे
सच्चे माहे समाया। दोबारा बोलो। सची थुन सच्चे गुण गावा। ओ धुन सब के दर आ रही है, सुनाई धुन देती ही उस धुन को सुनना, ये माने के गुण गाना है। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, उस नाम को तुन को वाणी को पढ़ करना, ये मालिक के गुण गाना है। वो वाणी सब के अंदर आ रही है, गुर की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप पकानी, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं है। फकीरों ने अंदर सुनी है बार बयान किया, वाणी बजे चौं जुगी सच्चो सच सुनाए, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, बार की वाणी सुन लियो सारे दुख दूर हो जाएंगे, वो अंदर की वाणी सुन लियो सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ जी, सच धुन सच्चे गुण गावा सच्चे माहे समाया। करे शब्द सहज समाए, हाँ घर अंदर को घर पाए गुर के शब्द सहज सुभाए, इसलिए कर है इसके अंदर होर कर है, मैला अंदर गैर मैल पाए बाणा बूझ समाए। बाणा क्या, ये मालिक की रजा मेरे, ये माल का सुख में रख दुख में रख, अमीरी में रख गरीबी में रख, इज्जत करा बेइज्जती करा जो पावे त्यों राख ले, हमने तो सिमरन करना है ते अंदर जाना है अपने घर पहुंचना है। हाँ दोबारा बोल, घर अंदर। घर अंदर को घर ना को घर पाए गुरु के शब्द सहज सुभाए। हाँ गुरु के शब्द सहज सुभाए, संतों ने सिमरन बताया है, वो सिमरन करोगे जड़ जितनी गांठ खोलोगे सहज अवस्था में पहुंच जाओगे। सहज अवस्था कहाँ है, त्रिलोक किसी पार है। गुरु अमरदास ने लिखा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, कहाँ पाया सतगुरु तो पाया, सहज सेती मन वजियां बधाइयां, राग रतन परवार परिया शब्द गाउणाइयां, त्रै गुण में सहज ने उपजे त्रै गुण परम पुलाए। त्रै गुण कौन से, सतो गुण तमो गुण रजो गुण। सतो गुण क्या, अच्छे कर्म करने, अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर चुरासी त्यार है। तमोगुण नींद और आलस में पड़े रहना, और नींद और आलस में पड़ रहेगा पाया खाएगा करजायती हो जाएगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, त्रैगुण में सहज ने त्रैगुण परम पलाय, सारा ही परम है, पढ़िए गुणिए कथिए मुंडो कत्ता जाए, किताबें पढ़ना उन पर विचार करना शुरू से ही उल्टे राह पड़ गया। चौथे पद में सहज है गुरमुख पर ले पाए, और सहज अवस्था त्रिलोक किसी पार चौथे लोक में है, ये गुरमुख बन जाए उनका कोर्स कर ले सहज अवस्था में पहुंच गया, जन्म मरण के बंधन छूट के आत्मा परमात्मा से मिल गई। हाँ जी, घर अंदर को घर पाए गुर के शब्द से सुभाए। हाँ जी, ओथे सोग विजोग न व्यापे, फिर उसकी पहचान क्या है, उथे सोग वियोग कुछ नहीं होता, ना कोई सुख है ना दुख है, शांति शांति आनंद ही आनंद है। हाँ जी, फिर उसकी आंखें कह देगी, उसका चेहरा कह देगा, उसकी जुबान कह देगी। हाँ जी, सहज सहज समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौधे दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौधे फिरे बहु मोह प्यासा। दूजे पा दुष्टा का वासा, पौधा फिरे मोह प्यासा। दूजे पा क्या, ये संत नहीं मेरे, उन्होंने सिमरन बताया, इसने मेहनत नहीं की,
तो फिर दूजे पा क्या है, ये काम करो तो लोग मोहंकार में मरतेंगे, इन्होंने हमारे मिट्टी पीत कर देनी है, सारी दुनिया ठगों की आज चढ़ी है। हाँ जी, कुसंगत बहे सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया। कुसंगत बहे सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया। ये बुरी संगत में बैठोगे तो बुरे बन जोगे, जो अच्छे आदमी की संगत है तो अच्छे बन जोगे, जो लफंगों की सोबत है तो फिर मिट्टी पलीत होनी है। हाँ जी, सतगुरु बाजा। सुनो, अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, यहाँ कई राजा थे, उनके लड़कों को अंग्रेज अपने देश ले गए, उनको सिनमों में कल्बों में पेश की, इसे विकारों में उनकी जिदाद छीन, उनको कर्जायदी कर दी है और उनके राज छीन लिए, यही हमारा हाल है। हाँ जी, सारे विषय विकारों में काम क्रोध लोभ मोह, ये काम क्रोध लोभ मोह ओंकार है, ये टुकों का टोला इसके पीछे पड़े है। ईश्वर सारे पे पूंजी खा गए तो बाद में आगे फिर चुरासी तैयार है। हाँ जी, कुसंगत बहे सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया। सतगुरु बाजा संगत न होई, बिन शब्द पार न पावे। सतगुरु बाजो संगत न होई, बिन शब्द पार न पावे कोई। फकीर की सोबत है सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। फकीर असली दोस्त है, गुरमुखासु कर दोस्ती, गुरमुखासु कर दोस्ती, सतगुरु से लचित, जन्म मरण का मूल कटिए सुख होवे मित। नानक कतड़िया सु तोड़, ये बार के दर कच्चे हैं ये, टूण सज्जन संत पक्या, ये जिमदे बिछड़े ओ मोय अनजासी छोड़। सतगुरु बाज ने बेली कोई एथे उथे रखा प्रभु सोई, जे सतगुरु को पढ़ कर ले वो असली दोस्त है, उसके सिवा इसका कोई दोस्त नहीं है, सब मतलब के हैं। वाणी में लिखा है संजोग वियोग करते लिख पाए, कितने चले चलाए, जितना संजोग लिखा है वो अपना है, संजोग खत्म है तो बस बाप बैठा होता है बेटा चला जाता है, क्यों संजोग खत्म हो गया। बारिश का कोई भी नहीं है, वो सतगुरु सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है, जिसको पढ़ कर ले फिर बल्ले बल्ले। संत यही कोर्स करवाने आते हैं कि मालिक तेरे अंदर है, उसको पढ़ कर ले, उसने काम देना है। हाँ जी, बिन शब्द पार न पावे कोई। दोबारा बोल, सतगुरु 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 बाज संगत ना हो, बिन शब्द पार न पाए कोई। हाँ, बिन शब्द पार न पावे कोई, बिन नावे दर टोई नहीं जम करे खुआरी, नाम विसार चले अनमार्ग अंतकाल पछताई। हाँ जी, ये जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्द मोह गुबार, उस शब्द को पढ़ करना ये असली भक्ति है, ये प्रकट नहीं किया तो बस। हाँ जी, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। हाँ जी, सहजे गुणा सहजे गुणा रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाया। नाम सुनिए घट चारणा अनेर घुमावे, नाम जपत कोट सूजियारा, बिन से परम अंधेरा। हाँ जी, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंख
विच वासा अमृत चुगे गुरु शब्द निवासा। ये काया दरकत है, ये आत्मा पंछी है, ये पंछी जहर खाता है, इसके अंदर जहर भी है और अमृत भी है। ये अमृत पिए तो ये अमर हो जाए, ये जहर पिएगा तो मिट्टी पलीत है। काया बिरख पंछी विश्वासा अमृत पिए गुरु शब्द निवासा, ये अमृत पिएगा तो अंदर शांति आ जाएगी। हाँ जी, गुरु का शब्द अमृत है, जब पीते तिक जाई। हाँ जी, नवनीत अमृत पर्व का नाम दे मैं इसका विश्राम। हाँ जी, दोबारा बोल। काया बिरख, काया बिरख पंखी बिच वासा अमृत चुगे गुरु शब्द निवासा। हाँ, ये नाम को पढ़ कर ले, ये सारी वाणी अपने आप ही समझ में आ जाती है। हाँ जी, उड़े नमूले बाहर नहीं जाता। सच्चा नाम आधार मेरा जिन बुका सब गई हैं, सारी बुकें खत्म हो जाती है। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास। जे नाम को प्रकट ना किया तो जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले दसे प्रभु गुणता। कोई गुरमुख मिले वो नाम की तारीफ बताए, नाम को पढ़ करने का तरीका बताए। और तिस बिटो चौकनी नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिन्हें नाम को अंदर पढ़ करा दिया। गुरमुरदास ने लिखा है, होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावने। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को पढ़ करा दिया जिसके अंदर अमृत है। हाँ जी, काया सोधे शब्द विचार, काया सोधे शब्द विचार, मोह ठगो परम निवारे। हाँ, काया सुधे सद विचार है, मोठ गोरी परम निवार है। वो रास्ता इसके अंदर है, फिर तब बाहर है। इन पाया पेद कर अंदर दा, खोजे अपने अंदर दा। दिल खोजो दरवेश पहलो, अंदर खोज कर चीज घर में पड़ी है। कबीर ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदा व्यात, कह कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ। बेदी लिया साथ का दिन ही वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। चीज घर में पड़ी हो सुबह बाहर निकल जाता है, सारा दिन फिरता रहता है। घर वापस आता उसके पल्ले क्या है, लोग क्या कहेंगे, आवारा है। सारे आवारा हुए फिरते हैं, चीज इसके अंदर पड़ी है ये फिरता बाहर है। इधर चीज इनकी गांठ लगी, ताला लगे, चाबी मिल गई, फिर चाबी लगे, चाबी ताले के अंदर चाबी दो, ताला खोलो, सिमन करो, जड़ चीज इनकी गांठ खोलो, अंदर जाओ। हाँ जी, इस गुफा में अकुट भंडारा जिसमें जो से हर हल्का पारा, अकुट खजाना इसके अंदर है और मालिक भी इसके अंदर है। हाँ जी, काया सोधे शब्द विचारे मोह ठगोरी परम निवारे। हाँ, ये तेरे लोग तक सारा ही परम है। काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, हर अंतर हर रस पाया। निस्दामन जो चमक चंदन वेखे एनि जोत निरंतर पेखे। अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लस्कारे आते हैं। ये सिमरन करेगा इसके अंदर भी लस्कारे आने लग जाएंगे, इसको तसल्ली मिलनी शुरू हो जाएगी, वो जोतने पर हो जाएगी। हाँ जी, सद ही ने दूर न जाने, सद ही ने दूर न जानो गुरु के शब्द नजीक पछाणो। सद ही नेड़े है, वो तेरे अंदर ही है। बाहरला कोई दोस्त जब साथ रहेगा वो इसके अंदर है, वो
सदी नेड़े दूर न जानो दूर नहीं है। हम बाहर जंगलों में पहाड़ों में किताबों में तीर्थों में तलाश करते हैं, सदी नेड़े दूर नहीं जाना गुरु शब्द अंतर पछाण। गुरु शब्द क्या? जो संतों ने स्वयं बताया उसके जरिए तुम अंदर मालिक को पहचान सकते हो। जब अपने आप को पहचान लोगे और बोल भाई जब तक इंसान अपने आप को नहीं जान पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है। पढ़ते हैं सब गटरामा बोले राम बिना को बोले, और राम को देखा तो नहीं है, उस राम को देखना है। मस्ताना के पास कोई आदमी आया, कहने लगा मालिक को किसने देखा? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काम लिया है, लोगों को करके दिखाया है। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं भैया ये देखो यहाँ काम करता है, तुम को सिमरन करो तुम्हारे भी काम करेगा। मस्ताना जी बलोचिस्तान से यहाँ सर से आए, ना तो कोई जमीन थी, ना कोई पैसा पास में, ना कोई रिश्तेदारी, ना इलाके की बोली जाने। बोलो यहाँ किसी मुल्क क्या झोंपड़ी बना के बैठे थे, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, बोलो कोई कमी आई है? वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं भाई ये काम देने वाला राम है, ये सिमरन कर ले सारा कुछ करेगा। पर अब किस में रिद्ध सिद्ध नौ निध। हाँ जी, अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है, तब तक ही अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ये इंसान जब इसी वास्ते मिला है। हाँ जी, ऐ इंसान तेरे अंदर एक अजीब खजाना है। इसके अंदर अजीब खजाना है, सतगुरु मेरा बेमोहताज ताकत है, उसके नाम पर बैठो। मस्ताना जी कहा करते थे दो घंटे सुबह बैठो दो घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। हाँ जी, तू सब विद्याओं का भंडार है, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं। हाँ, सारी विद्याएं अंदर से ही आई है। कबीर है, दादू है, पलटे कौन से स्कूलों में पढ़े, उनकी वाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते, अंदर से आई है। हाँ जी, तू सारे संसार की जान है। चलो बस, हाँ बोलो। सद ही नेड़े दूर न जानो गुरु के शब्द नजीक पछाणो, विगसे कमल किरण पर गासे प्रगट कर दिखाया, विगसे कमल किरण पर गासे प्रगट कर दिखाया। विगसे करण कमल प्रकाश है, इसका मतलब क्या है? अंदर नाम कमल प्रकाशा तिनको नहीं जम की तरासा, और नाम प्रकट हो गया कि जमदूत नेड़े नहीं आते, जमदूतों का काल का कोई डर नहीं रहता। हाँ जी, आपे करता सच्चा सोई आपे मार जीवन अवर न कोई। आपे करता सच्चा सोई आपे मार जीवाले ओवर न कोई, आखिर में फैसला कर दिया मालिक के हाथ है। ये सारा खेल मालिक ने आप ही डाला है, जिस आप बुलाए सो बुले सो बुझे इसे बुझाइंदा, जिसको बख्शना चाहता है फकीरों की सोच में ले आता है। हाँ जी, आपे मार जीवाले अवर न कोई, नानक नाम मिले गवाए सुख पाया। फिर में क्या कहते हैं, नानक नाम मिले बढ़ियाई आप गवाए सुख पाया। नाम को पढ़ कर लिया बढ़ियाई आ गई, कब आएगी? आप गवाए, अपनी हस्ती मिटा देगा तो मालिक की हस्ती आ जाएगी।
सारा निचोड़ यही है, पहले पूरा फकीर मिल जाए, फिर उसमें बता दे, फिर सिमण करे, जड़ जितनी गांठ खोले, सारी रूहानियत आ गई। हाँ जी, नानक नाम विलै वडियाई आप गवाए सुख पाया, आप गवाए सुख पाया। लिया भी प्रसाद, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो कमरा नंबर 26 बी में सूरज महात्मा जी और दर्शन महात्मा जी बैठे हैं, राजस्थान के, जिन्होंने सत्संग लेने हैं वो अभी सत्संग की समाप्ति के बाद कमरा नंबर 26 बी में पहुंच जाए और वहां अपना वो मुर्शिद दे आई, हर मुश्किल दी चाबी वीरो हाथ मुर्शिद दे आई, मुर्शिद नजर